नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी रियल किचन में फिर से आपका स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बेसन के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। बेसन के लड्डू सभी को पसंद होते हैं क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर सभी बेसन के लड्डू डालकर खाते हैं और यह सबसे अच्छी स्वीट डिश है। हम इसे घर पर कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बेसन के लड्डू के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। एक कटोरी घी, एक कटोरी पिसी हुई चीनी और 250 ग्राम बेसन। अब हम अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं और अपनी कढ़ाई के अंदर घी डाल देते हैं। जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक यह अच्छे से ब्राउन कलर का नहीं हो जाता और अच्छे से पक नहीं जाता। दोस्तों, अगर आप बेसन के लड्डू बनाने के लिए थोड़ा मोटा बेसन लोगे तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे, खाने में भी बहुत कुरकुरे और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इसलिए लड्डू बनाने के लिए आप मोटा बेसन इस्तेमाल कीजिएगा। मोटे बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। हमारा बेसन काफ़ी मोटा है। बेसन कई प्रकार के आते हैं। तीन कंडीशन में बेसन आता है, मोटा भी, थोड़ा बारीक भी और उससे बारीक भी। हमने ये मोटा बेसन स्पेशल लड्डुओं के लिए मंगवा रखा है। देखिएगा दोस्तों, हमारा बेसन हल्का ब्राउन कलर का होने लगा है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है जब ये अच्छे से पक जाता है। यह बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें 15 मिनट का टाइम लगता है। आप 15 मिनट में आपका बेसन अच्छे से पक जाएगा और ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, हमारा बेसन ब्राउन कलर का होने लगा है और यह अच्छे से थोड़ी देर में पक जाएगा। अगर आप इसे अच्छे से पकाकर इसके अंदर पिसी हुई चीनी डालोगे या फिर इसके लड्डू बनाओगे तो आपके लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। क्योंकि अगर यह बेसन थोड़ा सा भी कच्चा रह जाए तो हमारे लड्डुओं में वो टेस्ट नहीं आता जो अच्छे से पकाकर आ जाता है। आप चाहो तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हो, नारियल भी डाल सकते हो या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। देखिए दोस्तों, हमारा बेसन लड्डू की कंडीशन में हो चुका है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और यह अच्छे से ब्राउन कलर का हो चुका है। देखिएगा दोस्तों, हमारा बेसन बहुत अच्छा पक चुका है। लो फ्लेम पर करके हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी हमने इसके अंदर ज़्यादा कम नहीं डालना है क्योंकि हमारे लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। हमारे बेसन की ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि इसमें लड्डू अच्छे से बन सके। अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। देखिएगा, हमारा बेसन ठंडा हो चुका है। इसका रंग कितना प्यारा और कितना क्यूट है। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। देखिएगा, हमारे लड्डू कितने अच्छे बने हुए हैं। आप किसी भी तरह के बना सकते हैं, छोटे बड़े, जिस तरह के आप पसंद करो। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी त्योहार पर ये लड्डू बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा। आपके बच्चों को ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे। मेरे बच्चे तो बहुत खाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्वीट रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।